तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग के ऊपर। लास्ट क्लासेस में हमने आपको फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, उसी में आगे हम कस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चेक बुक से, चेक नंबर से, जो कि हमने लास्ट क्लास में समझाया था। जैसे मुझे यहाँ पे चेक नंबर लिखना है तो सिंगल कोट हम जीरो लगा देते, क्योंकि अगर हम बगैर सिंगल कोट 0 1 2 5 4 लिखे तो जीरो एक्सेप्ट नहीं करता है, और मोस्टली चेक में आगे 0 0 लगा होता है। तो हम कैसे नंबर मेंटेन करें, तो आप सिंगल कोट लगा के लिख सकते हैं। चलो टाइप करना है तो मैं टाइप कर देंगे, लेकिन किसी ने मुझे चेक नंबर भेज दिया है बगैर जीरो लगाया, तो किसी ने इसमें जीरो नहीं लगाया और बगैर जीरो लगाया मुझे भेज दिया है। मुझे जितना डिजिट कम है उतना जीरो इसके आगे लगा। तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, अगर आपको जस्ट प्रिंटिंग पर्पस से चाहिए तो मैं एरिया को सिलेक्ट करूंगा और यहां कस्टम पे जाऊंगा और यहां पे मैं 0 0 0 0 0 0 6 बार जीरो लिख दूंगा। यहां देखिए आ गया सर, जीरो लिखने से हमारा देखिए यहां पे दिख गया। लेकिन ये किसी फॉर्मूला बाकी चीजों के लिए करते हैं तो ये सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहां देखेंगे कि 652 है, दिख रहा है 0 0 6 5 2, पर एक्चुअली में 652 ही है। अगर मैंने यहां पे लिखा 0 0 0 6 5 2 तो ये दोनों में विजिबिलिटी एक है। अब बोलेंगे सर सिंगल को यहाँ पे साइड में एरर लगा हुआ है, तो मैं इसको इग्नोर एरर कर देता हूँ, दिखता एक जैसा है, लेकिन इनको आपस में बराबर करेंगे तो ये आपस में बराबर एड्रेस होता है ना इसमें। तो अगर आपको फॉर्मूला लगाना है जैसे कि बहुत सारी रिकंसिलेशन वगैरह होता है तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो मुझे विजिबिलिटी के लिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसको एज ए यूज कर सकूं ऐसे। तो अब यूज क्यों नहीं कर, मतलब कि इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला आपकी ओरिजिनल वैल्यू को ही चेंज करता है, विजुअल ओरिजिनल वैल्यू को ही शो कर पिक करती है, विजुअल को पिक करती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी फॉर्मेटिंग आपका विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनलिटी को नहीं। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे टेक्स्ट का, और टेक्स्ट फॉर्मूला में अपने नंबर को सिलेक्ट करेंगे और जो फीचर्स हमने कस्टम फॉर्मेटिंग के मदद से यहां लगाया है वही टाइप यहां लिख देंगे 6 टाइम 0 0 0 0 0 0। अब जो आपको नंबर दिखेगा वो ओरिजिनल में भी जो दिखेगा वही रहेगा। तो मतलब कि इन दोनों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। क्लियर सर? तो उसके लिए और एक लाइन इंसर्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक और लाइन इंसर्ट करनी पड़ेगी सर। आप तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब पेस्ट पेसल कर देंगे वैल्यू। हाँ, वैल्यू करने से उतना ही आएगा ना 0.8 1। हाँ, सब कुछ सेव करेगा। ट्राई करके देखिएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने यहां पे मोबाइल नंबर लिखा, इसमें +91 लगाया, तो यहां पे हम कस्टम में जाते हैं तो प्लस, अब नॉर्मली प्लस 9 लिखेंगे ना सर, तो
तो ये आपको आपके डेटा में शोर नहीं करेगा। इस केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कस्टम में जाएंगे और यहां पे प्लस 91 देंगे और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम 0 दे देंगे। यहां पे देखिए 8 0 2 5 7 9 3 8 8। लेकिन 0 लगाने से दिक्कत क्या हुआ कि यहां पे आपका डिजिट मेंटेन हो गया। अब मैं चाहता हूं क्योंकि इससे दिक्कत क्या हुई, पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर सही है या कौन सा नंबर गलत है। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां 0 के जगह पे हैश दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसी मीटिंग आईडी हम आपको भेजते हैं। और यहां कस्टम पे आते हैं, तो यहां पे मैं चाहता हूं कि हर 3 डिजिट के बाद डैश लगे। यहां पे जैसे ही 1 2 3 और ऐसे मान लीजिए हम अकाउंट नंबर लिखते हैं, तो जनरली अकाउंट नंबर अगर आप कोई भी नंबर 10 डिजिट 11 डिजिट तक लिखते हो तो दिखता है, जैसे आप 12वां डिजिट लिखेंगे ये आपका साइंटिफिक फॉर्मेट में हो जाएगा। इसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल अच्छा दिखे तो नंबर फॉर्मेट पे कर देंगे तो कॉमा सुमा लग जाएगा, जस्ट इसमें एक हैश का इस्तेमाल कर। लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी किसी भी सेल में 15 डिजिट से ज्यादा नंबर नहीं होगा। 16वां डिजिट आप जैसे डालेंगे वो 0 बन जाएगा, मैंने 8 डाला तो 0 बन गया। अब ये ऐसा होता क्यों है इसके बारे में जान लीजिए। ऐसा होने के पीछे रीजन है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर 15 डिजिट से ज्यादा की कैलकुलेशन नहीं कर पाता, इसलिए ठीक है। तो ये हमारा यह हुआ। अब हमने यहां पे कहीं पे 0 लगाया है, कहीं पे हैश लगाया है। अब 0 हैश का फंडा समझिए, जैसे कि मैं यहां पे 1500 लिखा, लेकिन मुझे लिखना है एमआरपी 1500। तो अगर मैं मैनुअल लिखा तो हम इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेशन टेक्स्ट साफ लगे रहने के कारण इसमें नहीं कर सकता। Thank you.
ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं 1500, लेकिन इस पे एमआरपी अपने आप। तो कस्टम में हम कोई भी प्रीफिक्स सफिक्स लगा सकते हैं किसी भी नंबर के आगे या पीछे लगा सकते हैं। अगर हमने सिर्फ एमआरपी लिख दिया, इसके आगे कोई जीरो या हैश नहीं दिया, तो सिर्फ आपको एमआरपी ही शो करेगा, आपके नंबर शो नहीं करेगा। तो मुझे नंबर्स को शो करने के लिए यहाँ पे 00 देना होगा। 00 अगर देते हैं तो फिर 5 लिख दिया तो 05 लग जाए, मतलब 0 मेंटेन करेगा। लेकिन अगर मैंने हैश दिया तो ये 0 मेंटेन नहीं करेंगे। अगर 2 डिजिट लिखेंगे तो 2 डिजिट आएगा, 1 डिजिट लिखेंगे तो 1 डिजिट आएगा। तो आपको जीरो हैश का फंडा समझ में आ गया सर? चलिए इसे कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि मैं यहां पे 5 रुपए 30 पैसे लिखता हूं, तो मैंने क्या किया यहां पे दिया 0 हैश और यहां देता हूं रुपीज डॉट 0 पैसे। अब यहां पे हमने सबसे पहले जानी है कि हम यहां पे हैश नहीं, हम 2 जीरो दे सकते थे, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैं सिर्फ पैसे डालूंगा कि 50 पैसे, तो 00 रुपीज 50 पैसे आए, जो कि गलत है, तो हम 1 जीरो दे देते हैं, तो 0 रुपीज 50 पैसे सही है। लेकिन फिर मैं यहां पे 5 रुपए 60 पैसे डालूंगा, तो 5 के आगे 0 रहेगा, 2 डिजिट मेंटेन। मैं यहां पे 1 जीरो और 1 हैश दे दिया, 1 जीरो और 1 हैश दे दिया एंड ओके कर दिया। चलिए और इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1000 सेपरेटर में 25,000 देता हूं और मैं चाहता हूं कि सिर्फ 25 दिखे, अमाउंट इन 1000 में दिखे, तो मैंने क्या किया, कस्टम में गया और यहां पे सिर्फ एक हैश दिया कॉमा, ये आपका 25 दिखेगा। तो साथ अगर से कोई अगर लगाना चाहते प्रीफिक्स, तो यहां पे जैसे मैंने के कर दिया तो आपका, तो मैं अगर 50,000 लिखूं ये हो जाएगा। अगर से मान लीजिए कि 1000 ऐड करता हूं
तो ये 51k हो जाएगा, तो अमाउंट इन थाउजेंड में चलेगा। देखिए अमाउंट इन करोड़ ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0.00 और यहाँ पे 00 लगा देंगे, यहाँ पे 2,52,00,000। इसके आगे पीछे भी आप थाउजेंड सेपरेटर लगा सकते हैं। उसी तरह से डेट का है, तो मान लीजिए कि मैंने कुछ डेट यहाँ डाल दिया, अब इसके ऊपर अपना एक तो बने बनाए फॉर्मेट्स है वो तो डाल ही सकते, करोड़ का थोड़ा और। हेलो हेलो जी, करोड़ जो बताया नाम है करोड़ का, उसका थोड़ा और एक बार रिपीट करते हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? करोड़ करोड़ का करोड़ का 0.00 लगाइए ना इसमें, 0.00 और डबल कॉमा, ठीक है। और साइड में क्या लगाया आपने? डबल कॉमा, डबल कॉमा, ओके। एक कॉमा थाउजेंड में करता है, डबल कॉमा करेंगे तो फिर वो उसमें करेगा। अब इसमें एक चीज और आती है डेट पे, तो सर डी जो होता है डेट को कन्वर्ट करता है, अगर एक डी देते हैं तो 1-2-3 के फॉर्मेट में आता है, अगर दो डी देते हैं तो 0-1-2 के फॉर्मेट में आता है, तीन करते हैं तो ट्यूजडे मंडे फ्राइडे सैटरडे का शॉर्ट फॉर्म आता है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, चार करते हैं तो कंप्लीट आता है। उसी तरीके से अगर मैं एम करूं, एक एम करता हूं तो 1-2-3, दो एम करता हूं तो 0-1-2-3, तीन करता हूं तो जैन फायर मायर शॉर्ट में आएगा, चार बार करते हैं ये कंप्लीट आएगा आपका। उसके बाद ऐसे ही आपका ईयर है आपका, जो कि आप ईयर ले सकते हैं। अब इसको अपने फॉर्मेट में जैसे लिखना है जिस तरीके से लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। और इस तरह से टाइम होता है कि 10:30 हमने 30 मिनट दिया और इसके ऊपर कोई टाइम देना है तो मैं यहाँ पे देता हूं कि HH/MM/SS, तो ये आपका टाइम का फॉर्मेट होता है। लेकिन अगर टाइम अगर मान लीजिए 45 घंटे 20 मिनट दिया हुआ है, मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करके शो करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में एम कर दीजिए, ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन सिर्फ विजुअलिटी है, कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई करें, इसको सिलेक्ट करें और इसमें आप बड़ी ब्रैकेट में दे दें एम देना है ना, मिनट करना थे आवर तो एच, मिनट तो एस और सेकेंड के लिए एस देना है, मिनट एम सेकेंड एस एंड मिनट देना है मिनट। क्लियर है सर? आगे बात आती है कि इसमें और भी चीजें हैं, राइट सर, तो उससे इसको पढ़ने से पहले एक आर्टिकल मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो कि कस्टम फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। एक नहीं तो अलग, यही है।
ये इसमें एक आर्टिकल मैं आपको भेज रहा हूँ, इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग के अप्लाई करने के सारे चीज दिए गए हैं, प्लीज इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है? तो फिर हम कल हम एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। कोश त्रिपाठी ये है आपका सर? हाँ, मेरा। और दीपेंद्र भंडारी, ईमेल आईडी ना आपका दीपेंद्र जी? सर 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 सर, तो पढ़ लीजिए, फिर हम कल की क्लास में हम इससे आगे चीज बात करेंगे। कल का टाइमिंग क्या होगा सर? वही टाइम जो ये हम जो लेते हैं, 8। हाँ ठीक है सर।